गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर डेसिमल। क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। डेसिमल गिवन है, डेसिमल की फॉर्म में गिवन है हमें। कन्वर्ट किस में करना है? फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स लोवेस्ट फॉर्म। रिड्यूस करना है हमें फ्रैक्शन की फॉर्म को जब तक उनमें कॉमन डिवीजर वन ना आए। सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल को फ्रैक्शन में। 0.8 फर्स्ट पार्ट है, 0.8। अब डेसिमल से हमें किस में जाना है? फ्रैक्शन में जाना है। तो एक डेसिमल है हमारा, और डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद? वन डिजिट। तो वन डिजिट है तो कितनी जीरो आएगी? डिवाइड में वन। तो क्या आएगा हमारा? 8/10। और जो ये फॉर्म आई है हमारी, ये किसकी फॉर्म है? फ्रैक्शन की, a/b फॉर्म। फ्रैक्शन की फॉर्म है, और इस फॉर्म को हमें क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके जाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स 8/10 है। अब डिवाइड करें हम 2 से, क्या आएगा हमारा? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 4 और 5, इन दोनों में कॉमन डिवीजर क्या है? 1। अगर 1 से डिवाइड करेंगे, ओनली 1 से ही ये डिवाइड होगा। तो ये फॉर्म कौन सी आ गई हमारी? 4/5। जब तक हमें रिड्यूस करना है, जब तक हमारा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 कॉमन डिवीजर ना हो उनमें, तो वो क्या होगी हमारी? सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.75। सेकंड पार्ट देखते हैं, 0.75 है। तो अब देखिए, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है हमारी? 1 2। टू डिजिट है, तो मींस पहले हम डेसिमल से किस में जाएंगे? फ्रैक्शन में। तो 75 डिवाइड बाय 2 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो कितनी जीरो? 20 डिवाइड बाय 100। ओके, ये आ गई हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म। अब इसको डिवाइड करना हमें कब तक? जब तक इनमें दोनों का कॉमन डिवीजर वन ना आए। तो वो कौन सी फॉर्म होगी हमारी? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 है 5 है, तो किससे डिवाइड हो जाएंगे ये? 5 से। तो 5 2 जा 10, डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्या आएगा? 5 2 जा 10, 0। 5 1 जा 5 2 5 5 जा 25, तो हमें क्या मिला? 15/20। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा यूनिट डिजिट क्या है? 5, यहाँ पे 0, तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है अभी। 5 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब आया हमारा 3/4, और 3/4 क्या है? हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है 0.6। तो 0.6 को हम सोल्व करेंगे, 0.6। अब देखिए, ये डेसिमल की फॉर्म है हमारी, सबसे पहले हम किस में ले जाए? फ्रैक्शन में। तो डेसिमल कट करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड में 6/10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है हमारी? वन डिजिट है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको? ये आ गई हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म, a/b की फॉर्म। इसको रिड्यूस करेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब 6/10 है, किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? 5, यहाँ पर 3, तो आंसर आएगा हमारा 3/5। ये आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना था? कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है? फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करके दिखाना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और हमारे पास क्या है? डेसिमल में गिवन है। तो क्या करें हम? सबसे पहले किस में कन्वर्ट करें इसको? फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से किस में जाएंगे हम? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 5.6 हमें गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट।
तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है हमारी, वन। तो कन्वर्ट किया हमने 5, 6, तो डिनोमिनेटर में आएगा हमारा 10 और ये आ गया हमारा a बाय बी। और अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो हम इसको पहले क्या कर ले, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, या डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, a बाय बी है तो इसका मीन्स क्या है, a डिवाइड बी, a को डिवाइड करना है b से, तो डिवाइड कर सकते हैं हम। देखिए 56 को डिवाइड करना है किससे, 10 से। a की वैल्यू क्या है हमारी 56 और b की वैल्यू है 10, तो अब किस पे जाएगा ये, 10 फाइव जा 50, रिमाइंडर आएगा हमारा 6, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचता है हमारा उसको कैसे लिखते हैं हम, 5 से चलते हैं लिखने के लिए, U की शेप में, ठीक है। 5 के बाद 6, 5 एंड 6 बाय जो डिवीजर है वो डिवाइड में आएगा, 5 एंड 6 बाय 10, ओके 5 एंड 6 बाय 10, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। और हमें किस में कन्वर्ट करना था, मिक्स फ्रैक्शन में, और ये आया हमारा फ्रैक्शन में। अब इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 0 है यहाँ पे 6 है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1, 2 8 जा 16, तो आया हमारा 28 बाय 5। देखिए 28 को डिवाइड करें अगर हम 5 से, हमारा सेम आंसर आएगा, क्या आएगा हमारा, 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला 3, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 एंड 3 बाय 5। अब कहोगे सर यहाँ पे तो 6 बाय 10 है और यहाँ पे 5 एंड 3 बाय 5 है, सेम है ये। अब देखो हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 6 बाय 10 है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आया 5 एंड 3 बाय 5। तो ये जो आंसर है इक्वल है 5 एंड 3 बाय 5 इसके, और 6 बाय 10 भी हमारा इक्वल है, क्योंकि जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर ये ही आएगा, ठीक है। या तो हम पहले रिड्यूस कर सकते हैं या बाद में भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्वेल्व, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, फ्रैक्शन में। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट तो डिवाइड में क्या आएगा, 100, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, तो 100 आया। अब क्या करें हम इसको, रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिड्यूस करें तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए रिड्यूस करेंगे, 0 है यहाँ पर, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, डिवाइड 5, 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब भी आगे भी रिड्यूस हो सकता है ये, 0 5, 245 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे आएगा हमारा 4, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब हमें क्या मिला, 49 बाय 4, ये फ्रैक्शन है हमारा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कर लिया इसको। अब क्या करें, इसको कन्वर्ट करें मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए 49, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 0, 9 कैरी किया हमने, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 12 एंड 1 बाय 4, ठीक है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है हमारा वो कम्बिनेशन होता है किसका, किसका कम्बिनेशन होता है बच्चों, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन। जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगी, और प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है क्या है, जिसका न्यूमरेटर
लेस हो और डिनोमिनेटर मोर हो, ठीक है, जो ये वैल्यू होगी ये प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। कंबिनेशन होता है ना हमारा होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का, क्या मिक्स फ्रैक्शन, समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6.004। ठीक है, ये कन्वर्ट करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे हम, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट, 1, 2, 3, तो क्या आएगा हमारा, डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे तो 6004 डिवाइड बाय 1000। अब डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट करते हैं क्या, 6004 को हमें 1000 से डिवाइड करना है। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा हमारा, 6 पे, तो क्या आएगा 6000, रिमाइंडर क्या आया हमारा 4। और अब हम कैसे लिखेंगे इसको, 6 and 4 by 1000। अब यहाँ से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको, 2 2 4 2 5 10 0 2 1 2 2 2 4 1 2 5 10 0, तो हमारा जो आंसर आएगा फर्दर सोल्व कर कर 6 and 1 by 250 भी हम बोल सकते हैं, और हमारा आंसर 6 and 4 by 1000 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा कन्वर्ट डेसिमल को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। अब हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और गिवन है हमें फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में गिवन है क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट 47 by 10। अब फ्रैक्शन है ये हमारा a by b, और किस में कन्वर्ट करना है हमें इसको, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या ऐसे करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 10 है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कितनी जीरो है हमारे पास, 10 है, तो 10 यूनिट प्लेस से जो हमारी डिजिट है यूनिट प्लेस पे, 47 है, 7 है, तो 7 से हमें किस तरफ चलना है, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो 47 है हमारा तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 7 से 7 का लेफ्ट किस तरफ, इस साइड, और राइट इस साइड, तो लेफ्ट साइड चलना हमें, तो कितने डिजिट चलना है, 1 डिजिट, क्योंकि हमारे पास कितनी जीरो है, 10, तो हमारा आंसर होगा 4.7। तो ये हो गया हमारा डेसिमल की फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 156 by 100, 156 by 100। अब हमारे पास 100 है, तो कितनी डिजिट, जीरो है हमारे पास, 2 0, तो कितनी डिजिट के बाद लगेगा डेसिमल, 2 डिजिट के बाद, यूनिट डिजिट से लेफ्ट की तरफ, तो 1.56, देखिए 1, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हमारा, ये हो गया हमारा डेसिमल की फॉर्म में, हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन से डेसिमल में। अब हमारे पास है 2516 डिवाइड बाय 100। अगर 1000 भी है तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, अगर 100 है 2 डिजिट के बाद डेसिमल, हमारा क्या है 1000 है, 1 2 3, तो हमारा आंसर होगा 2.516। अगर हमारा 100 है तो आंसर आएगा हमारा 2.516, क्योंकि 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 point। ओके, ये था हमारा डेसिमल की फॉर्म में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। हमें अनलाइक डेसिमल गिवन है, और किस में लेके कन्वर्ट करना है, हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, 6.5
16.03, 0.274, 119.4। ये क्या है, सभी अनलाइक डेसिमल में गिवन हमें, किसमें गिवन है, अनलाइक डेसिमल में, और कन्वर्ट करना हमें किसमें, लाइक डेसिमल में। और लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, सभी लाइक डेसिमल में कब होंगे, जो डेसिमल के बाद सेम डिजिट होगा सभी नंबर का, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट और इसमें डबल डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है। तो हमारे पास लाइक डेसिमल कब हो सकते हैं, मैक्सिमम डेसिमल के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट है। तो लाइक डेसिमल में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना होगा, तभी ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम लाइक डेसिमल में, अब हम कम तो नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं, ऐड क्या कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या करें हम, 6.5 कितनी 0 लगाए इसमें, 3, 2 0, 2 0 से क्या होगा हमारा, 3 डिजिट बन जाएगा डेसिमल के बाद, और इसमें हमारी कितनी 0 आएगी, 16.030 हुई है, यहाँ पर भी हमारी 3 डिजिट हो गई, और इसमें ऑलरेडी क्या है हमारे पास, 3 डिजिट है, 0.274, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो कितनी 0 आएगी, 20, 119.420। तो ये हो गया हमारा लाइक डेसिमल, ओके। लाइक डेसिमल में हमारा क्या होगा, डेसिमल के बाद सेम डिजिट होगा, तो ये हो गया हमारा लाइक डेसिमल, और गिवन था हमें अनलाइक डेसिमल में, कन्वर्ट करना था लाइक डेसिमल में, ओके, थैंक यू।